इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568 9234623333। न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 12वां सवाल, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है? ए कैस्पियन सागर, बी अरल सागर, सी वर्ण झील, डी मृत सागर। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार, साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू खास मुलाकात। उत्तर बिहार में 19 तक जारी रहेगी बारिश, बाढ़ की स्थिति होगी विकराल। मौसम विभाग ने 19 जुलाई तक उत्तर बिहार में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। पहले से ही लबालब हो चुकी नदियों में बारिश का पानी और मुसीबत लाएगा। बारिश से नदियों के पानी में फैलाव होगा, जिससे बाढ़ की स्थिति और विकराल हो सकती है। सोमवार को मुजफ्फरपुर में 90 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि उत्तर बिहार के अन्य जिलों में अच्छी बारिश हुई है। नवगछिया में राशन कार्ड वितरण का कार्य आरंभ, शहर के 1629 परिवार का बना है राशन कार्ड। कोरोना काल के दौरान सरकार के निर्देश के आलोक में वैसे पात्र परिवार जिसके किसी कारणवश खाद्य सुरक्षा अंतर्गत राशन कार्ड नहीं मिल पाया था, उन परिवार का सर्वेक्षण उपरांत विहित प्रक्रिया पश्चात कुल 1629 निर्मित राशन कार्ड को नगर पंचायत नौगछिया के संबंधित सभी 23 वार्ड में संबंधित लाभुकों को राशन कार्ड को बांटने के लिए वार्डवार अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा टीम का गठन किया गया है, जिसमें टीम कर्मियों को डोर टू डोर घूमकर लाभुकों की सही पहचान करते हुए उन्हें राशन कार्ड को प्राप्त करवाना है। इस क्रम में सोमवार को राशन कार्ड बांटने का कार्य आरंभ किया गया। सभी संबंधित टीम कर्मियों को वार्डवार कुल राशन कार्ड प्राप्त कराते हुए जोनल पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन द्वारा निर्देश दिया गया है। नवगछिया, नवनिर्मित भाजपा कार्यालय से जिलाध्यक्ष ने सांगठनिक कार्य को किया प्रारंभ। नौगछिया के नवनिर्मित कार्यालय से सोमवार को भाजपा के जिलाध्यक्ष ने सांगठनिक कार्य की शुरुआत की। मालूम हो कि भाजपा का कार्यालय पूर्व में ही उद्घाटन हो गया था, लेकिन अभी तक यहां संगठन का किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा था। कोरोना को देखते हुए इस अवसर पर एक सादे समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काफी कम लोगों को शामिल किया गया। सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष को उनकी कुर्सी पर आसीन कराया गया, फिर जिलाध्यक्ष ने सांगठनिक कार्य की शुरुआत की और इस कार्य में जिला संगठन का विस्तार किया। मौके पर जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने कहा कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। एक समय था नौगछिया में भाजपाइयों को बैठने तक की जमीन नहीं थी, लेकिन आज अपनी जमीन पर भाजपा का भव्य कार्यालय है। भाजपा को यहां तक पहुंचाने में बुजुर्ग कार्यकर्ता का योगदान है, जिन्होंने कष्टमय परिस्थिति में भी भाजपा के झंडे को बुलंद किया। नवगछिया में 2 कोर्ट कर्मी सहित 11 लोग पॉजिटिव। नवगछिया में सोमवार को 11 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। संक्रमित हुए लोगों में 2 न्यायालय के कर्मी, 1 नवादा एवं 8 नौगछिया शहर के लोग शामिल हैं। संक्रमित पाए गए व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कोविड-19 सेंटर भेजने की तैयारी की जा रही है। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि कुल 11 लोगों के कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित पाए गए व्यक्तियों का सैंपल 7 एवं 8 जुलाई को लिया गया था। संक्रमित होने की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उन्हें कोविड-19 सेंटर भेजा जा रहा है। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में सोमवार को संक्रमित व्यक्ति के चयन में आए 45 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। अजीत पटेल बने भाजपा के जिला मंत्री। पिछले दिनों जदयू से भाजपा में आए अजीत कुमार पटेल को भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने जिला मंत्री पद पर मनोनीत किया है। मनोनयन की घोषणा होते ही अजीत कुमार पटेल ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि भाजपा संगठन की कार्य पद्धति पूरी तरह से लोकतांत्रिक है और इस पार्टी में उन्हें अपनापन का एहसास हो रहा है, इसलिए पार्टी से जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसका बखूबी निर्वहन करेंगे और जनता के बीच प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्य को बताने का कार्य करेंगे। अजीत के मनोनयन पर कई भाजपा कार्यकर्ता ने खुशी जाहिर की है। पर्वत्ता धार में ग्रामीणों के सहयोग से बने बांध पर बढ़ा गंगा नदी का दबाव। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही इस्माइलपुर प्रखंड के लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा नदी वर्तमान में खतरे के निशान से 31
10.60 मीटर से 1 मीटर नीचे 30.50 मीटर पर बह रही है। जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद पर्वता धार के पास इस्माइलपुर जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल एवं ग्रामीणों के सहयोग से बाढ़ का पानी रोकने के लिए बनाए गए बांध पर नदी के पानी का काफी दबाव बढ़ गया है। नवोदय के छात्रों ने सीबीएसई बोर्ड में लहराया परचम। जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा के 12वीं कक्षा के छात्र सीबीएसई बोर्ड में धमाल मचाया है। विद्यालय के प्राचार्य रोशन लाल ने बताया कि विद्यालय का नतीजा इस बार शानदार रहा। विद्यालय में कुल 47 अभ्यर्थी में 26 विज्ञान वर्ग एवं 21 वाणिज्य वर्ग में से 14 बच्चे ने 90% से अधिक अंक लाए हैं। रंगरा प्रखंड प्रमुख ने ढोलबज्जा में किया कृष्ण मंदिर का उद्घाटन। ढोलबज्जा के कृष्ण नगर धोबनिया में सोमवार को रंगरा प्रखंड प्रमुख मोती यादव उर्फ संजीव यादव ने एक कृष्ण मंदिर का उद्घाटन कर वहां जनसभा को संबोधित किया। सभा संबोधन के दौरान मोती यादव ने ढोलबज्जा को प्रखंड बनाने पर विस्तार से चर्चा की। वहीं मौके पर समाज सेवी विनीतानंद, सोनू कुमार, सुदर्शन कुमार व संतोष कुमार के साथ अन्य युवा लोग उपस्थित थे। गोपालपुर में बाढ़ पूर्व तैयारी पूरी, 5 स्थानों पर चलेगा सामुदायिक रसोई। संभावित बाढ़ में गोपालपुर प्रखंड में 5 स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई संचालित करने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय आजाद नगर तिनटेंगा करारी, मध्य विद्यालय डिमहा, मध्य विद्यालय तिरासी, सामुदायिक भवन दुर्गा मंदिर परिसर सहित पूर्व मध्य विद्यालय डुमरिया में सामुदायिक रसोई चलाया जाएगा। सभी सामुदायिक रसोई के लिए अलग अलग पर्यवेक्षक मनोनीत किए गए हैं तथा 3 पाली में कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। SVC उच्च विद्यालय धरारा में पशुपालक आपदा राहत शिविर संचालित किया जाएगा। इस शिविर के लिए हरियाली कुश हेम्ब्रम प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है। महिपाल राजकीय उच्च विद्यालय बुनियादी तिनटेंगा, मध्य विद्यालय सहित कई अन्य विद्यालयों को बाढ़ पीड़ित के लिए शरण स्थल के रूप में स्थापित किया गया है। उप मुखिया साक्षी कुमारी को मिला मुखिया का प्रभार। गोपालपुर के सुखतिया बाजार पंचायत के मुखिया का प्रभार उप मुखिया साक्षी कुमारी को दिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए BDO प्रियंका ने बताया कि मुखिया गौतम शर्मा के अचानक निधन होने के बाद जिला पंचायती राज पदाधिकारी के निर्देश पर उप मुखिया को प्रभार देने की कार्रवाई की गई है। कुरसेला से भवानीपुर का युवक लापता, लावारिस हालत में NH 31 पर मिली बाइक। रंगरा ओपी के भवानीपुर निवासी कुणाल आलोक उर्फ राजा 38 वर्षीय पिछले 2 दिनों से लापता है। युवक के 2 दिनों से कोई जानकारी नहीं होने से युवक के परिजनों में किसी अनहोनी की घटना से चिंतित हैं। हालांकि जिस मोटरसाइकिल से युवक घर से निकला था उक्त मोटरसाइकिल को कुरसेला पुलिस ने रविवार की देर रात कुरसेला थाना क्षेत्र के कुरसेला पुल के आगे NH 31 के किनारे से लावारिस हालत में बरामद किया है। लावारिस हालत में गाड़ी बरामद होने पर युवक के गायब होने से परिजन की चिंता और बढ़ गई है। इस संदर्भ में लापता हुए युवक के पिता भवानीपुर निवासी प्रमोद मिश्रा ने कुरसेला थाने में आवेदन देकर उसके सकुशल बरामदगी के लिए आवेदन किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीकांत देव नवशिया बाजार से। सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा एवं अटूट विश्वास से की जाती है। लेकिन इस बार पूरे भारतवर्ष में कोरोना महाकाल के दौरान सभी मंदिर बंद पड़े हुए हैं और कुछ श्रद्धालु हैं जो कुछ नियम का उल्लंघन करके मंदिर जा रहे हैं। तो मैं उन श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूं कि घर ना जाके अब घर में ही पूजा अर्चना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस, महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया।
अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294-855-586। बैग है लेना तो बैग च्वाइस ही है जाना।